कहो कहाँ जात हो? क्या पौन कहाँ जा रहे हो भाई? हंसी आ रही है भाई लोग वो शर्मा रहे हैं। ये धान देखिए फाइनली दोबारा जाम चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है दोस्तों। देखती है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि बाल्टी 20-20 लीटर की है तो दोनों हाथों में 40 लीटर हो जा रहा है, जिससे थोड़ा कंधों में दर्द होने लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों हम नीचे चल रहे हैं, घर में अंधेरा छाया हुआ है। ये दोस्तों ये देखिए धान रखा पड़ा है यहाँ पे। ठीक दोस्तों हम चल रहे हैं खेत की तरफ, वहाँ पे लहसुन बोया हुआ है, उसकी जा रहे हैं सिंचाई करने। अभी आप लोग देखिएगा किस तरह हम सिंचाई करते हैं कैसे। थोड़ा लहसुन जब बोया गया तो उसमें नमी की मात्रा कम थी, तो नमी कम होने की वजह से लग रहा है ऐसा ना हो कि लहसुन जामे ही ना, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे लहसुन की सिंचाई करने। तो अभी आप लोग देखिएगा किस प्रकार से हम सिंचाई कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से उसकी सिंचाई करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी बारिश के चलते अब की बार काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं, इतना नुकसान हुआ कि जितना सोचा नहीं जा सकता। ये देखिए दोस्तों आप लोग, पूरी चक का धान गिरा पड़ा है। और दोस्तों आप लोग को हम अभी करीब से दिखाते हैं, देख पा रहे होंगे आप, धान गिर के दोबारा जाम चुका है। देखिए दोस्तों आप लोग, ये देखिए आप, ये धान देखिए फाइनली दोबारा जाम चुका है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है दोस्तों। देखती है इसी प्रकार पूरे खेत का धान दोबारा जाम चुका है गिर के पानी में। इनको हम एक दिन देखे दोस्तों, ये आए थे धान की कटाई करने, लेकिन कंडीशन यहाँ की देख के वो छोड़ के चले गए। तो सच में दोस्तों कंडीशन ऐसी है ही, सिचुएशन ऐसी इसकी हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से निकाला जाए। दोस्तों हम आ चुके हैं खेत और आप देख सकते हैं हमारे हाथ में डबल बाल्टी है और हम चल रहे हैं, हमारे खेत के बगल में तालाब है, उसी तालाब से पानी को निकालेंगे, उसके बाद इसको ले चल के लहसुन की सिंचाई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी आप लोग को दिखाते हैं, तालाब से पानी भरते हैं, उसके बाद पानी को ले चलते हैं, लहसुन की सिंचाई करेंगे। दोस्तों दरअसल ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन भी नहीं बोया गया है, और दोस्तों उसी की सिंचाई करने हम जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये है तालाब, तालाब के ऊपर इसको कहते हैं तलपाट, तलपाट छाया हुआ है पूरा। और ये देखिए दोस्तों अब हम तालाब से पानी भर रहे हैं। ये देखिए दोनों बाल्टी में पानी भरा पड़ा है और हम अब दोनों हाथ से बाल्टी को लेके जाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं, आगे भी दिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों पानी को लेके हम खेत में आ चुके हैं और इस गिलास के माध्यम से इस लहसुन के क्यारी में खेत में पानी का छिड़काव करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये लहसुन की बुआई किया हुआ है, जिसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम थी तो इसमें सुविधा ना होने की वजह से सिंचाई की। और फिर दोस्तों इसमें पानी की मात्रा भी इस समय कम ही देनी है, क्योंकि अभी तो लहसुन बोया गया है, अभी से सींच दिया जाएगा तो लहसुन की जो पोटी है, जो भी मतलब है इसकी बीज है, वो सड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों इसकी सिंचाई हल्की हमें करनी है, इसलिए हम बाल्टी के माध्यम से तालाब से पानी ला रहे हैं और इसको थोड़ा सा नमी कर दे रहे हैं, इसको फुफकार के, ताकि इसमें थोड़ा नमी आ जाए और लहसुन अच्छे से जाम सके। दोस्तों दोनों बाल्टी खाली हो चुकी, अब हम दोबारा से जाते हैं पानी लेकर आते हैं, फिर लहसुन की सिंचाई करते हैं। कहाँ हो कहाँ जाता हो? क्या पौन कहाँ जा रहे हो भाई? हंसी आ रही है भाई लोग वो शर्मा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाल्टी को लेके वीडियो बना रहे हो। तो ठीक है दोस्तों हम चल रहे हैं दोबारा से पानी लेके आएंगे,
तो दोस्तों इसी प्रकार कंटिन्यू हम उसकी सिंचाई करेंगे। तालाब पे आ चुके हैं और दोबारा से अब दोस्तों हम दोनों बाल्टी को दोनों हाथ से उठाएंगे, फिर खेत के लिए लेके जाएंगे और लहसुन की कंटिन्यू सिंचाई करेंगे। दोस्तों हम दोबारा से बाल्टी को लेके आ चुके हैं खेत में। थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि बाल्टी बड़ी है 20-20 लीटर की, तो दोनों हाथ में 40 लीटर पानी हो जाता है, जिससे थोड़ा कंधों में दर्द होने लगा। बाल्टी लाते समय थोड़ा थकान को महसूस हो रहा है, तो ठीक है दोस्तों क्या करें। दोस्तों अब लहसुन जब बोया गया है इसमें नमी की मात्रा कम है, अगर इसको फुफकारेंगे नहीं तो दोस्तों ये लहसुन अच्छे से जामेगा नहीं, इसलिए दोस्तों इसको पानी से फुफकारना पड़ेगा जिससे इसकी नमी बरकरार रहे और लहसुन अच्छे से अंकुरित हो सके। दोस्तों कंधों में दर्द होने लगा, रियली सच्ची बता रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों क्या करें, अब सिंचाई तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है हम चल रहे हैं लहसुन की सिंचाई करेंगे। तो दोस्तों हम फाइनली छिड़काव के माध्यम से लहसुन की सिंचाई पूरी कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं ये दो क्यारी है जिसमें लहसुन की बुआई किए हैं और इसकी सिंचाई छिड़काव के माध्यम से पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग को वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने इस भाई को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिएगा जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों इस भाई को अपने सपोर्ट करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार की इंटरव्यू आप लोग के लिए कंटिन्यू लेके आते रहें। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।